तो यार देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊंगा कि एक ऐसी वेबसाइट जहां पर संदीप महेश्वरी, आपने शायद नाम सुना होगा, वो पैसा कमा रहे हैं और वो उस वेबसाइट से पैसा कमा रहे हैं जो उनकी खुद की वेबसाइट है। अब वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे वो पैसा कमा रहे हैं और आप भी घर बैठे बैठे सिर्फ अपने फोन से कैसे पैसे कमा सकते हैं, पहले छोटी सी क्लिप आप देख लो। तो कहते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको ये चेक करवा रहा हूँ कि कितना पैसा यहाँ पर मिल रहा है, लोग कमा रहे हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट की बात करूँ तो देखिए ये जो वेबसाइट है ये है इमेजेस बाजार। अगर आपको नहीं पता इमेजेस बाजार किसकी है तो आप गूगल पे सर्च करना, वन ऑफ द बेस्ट। अगर मैं बात करूँ मोटिवेशन तो उनकी ये वेबसाइट है यूट्यूब के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संदीप महेश्वरी सर की, तो उनकी ये वेबसाइट है। और ये देखिए कितना पैसा यहाँ पर वो चार्ज करते हैं। अगर उनकी वेबसाइट से कोई चार इमेजेस या चार वीडियो अगर यहाँ से लेता है तो देखिए प्राइस देखो आप, 27,200 रुपए उसको देने होंगे, यानी कि पर इमेजेस पर वीडियो कितना वो ले रहे हैं, 6,800 रुपए एक इमेज के, और 120 दिन के लिए ये डाउनलोड कर सकते हैं उसको। तो आप समझ रहे हो कि 6,800 रुपए सिर्फ एक वीडियो या एक इमेज के वो चार्ज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये वेबसाइट से लोग कुछ अर्निंग या कुछ खरीदते नहीं है गाइज, इस वेबसाइट से बहुत सारे लोग उनकी फोटोज या जो वीडियोज होती है उनको बाय करते हैं। उसके साथ साथ ये तो साइज है 800x1200 का, यानी कि अगर 72 DPI JPG में अगर वो इसको डाउनलोड करते हैं तो अगर यहाँ पे साइज बड़ा हो जाए तो देखो भाई पर इमेज देख रहे हो 22,400 रुपए। गाइज आप सोच के देखो कि इतना ज्यादा पैसा ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक इमेज या फोटो या वीडियो को डाउनलोड करने का। और ये वेबसाइट है, इससे लोग जो है खरीदते हैं तभी ये वेबसाइट चल रही है। ये संदीप महेश्वरी का मेन बिजनेस है जिससे वो पैसा कमाते हैं। अब आप यार देखो, पैसा कमाने के तरीके बहुत सारे हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा ही काम मिल जाए जहां पर आप अपनी मोबाइल से कोई पिक्चर्स क्लिक करें और क्लिक की हुई पिक्चर का पैसा आपको मिल जाए, तो क्या आप ऐसा काम करना चाहेंगे? अगर आप भी ऐसा कोई काम करना चाहते हैं, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको सिर्फ इसलिए ये दिखाया है ताकि आपको ये पता लग सके कि वाकई में यहाँ पर इमेजेस लोग खरीदते हैं तभी ये वेबसाइट यहाँ पर चल रही है और उनकी अर्निंग हो रही है। तो आपको भी यही काम करना है। अब इस काम को कैसे आपको करना है, कौन सी वो वेबसाइट है, इसके लिए मैं वीडियो में आगे आपको लेकर चलता हूँ। तो गाइज अभी आपने ये वीडियो क्लिप देखी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये वीडियो क्लिप इसलिए दिखाई ताकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये ट्रस्ट नहीं करते कि वेबसाइट से भी अर्निंग की जा सकती है। उन्हें ये लगता है कि इस तरीके से अर्निंग नहीं हो सकती। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए दिखा दिया कि लोग यार कमा रहे हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी खुद की वेबसाइट बना के पैसा कमा रहे हैं। बट मैं आपसे यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, नहीं, ऐसा आपको कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसी वेबसाइट है जो सिर्फ आपको ये प्लेटफॉर्म दे रही है कि आप उन वेबसाइट को यूज कर वहां से आप पैसा कमा सको। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया है कि यहाँ पर एक सिंपल सा काम है, सिर्फ आपको अपने मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। जो आपका मोबाइल होगा वो एक अच्छी कैमरा क्वालिटी के साथ होना चाहिए। बस ये कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो यकीन मानो कि आप यहां से इतना पैसा कमा सकते हो जितना आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया कि एक एक फोटो का 6-6, 6.5-7 हजार रुपए तक लोग दे के खरीदते हैं। सुनने में हमें बहुत ज्यादा लगता है कि यार कौन ऐसा है जो एक फोटो के 6-6 हजार रुपए देगा, लेकिन बिलीव मी गाइस, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस तरह की फोटोज को लेती हैं। सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, आउट ऑफ इंडिया की भी बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जो इन फोटो को यूज करती है अपने काम के लिए। तो उनको ऐसी फोटोज चाहिए होती है जो आप अपने मोबाइल से क्लिक कर सकते हैं। जी हाँ, अब देखो यार यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, आप इस वीडियो को देख रहे हो अपने फोन से ही देख रहे हो, तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। मेरे कहने से एक बार ट्राई करके तो देखो, कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना, कोई अलग से यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं आपका होने वाला है, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको यहाँ पे एक फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद यहाँ पर काम करना शुरू कर देना है। पूरा प्रोसीजर इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना। सारी चीजों को बहुत बारीकी से बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रोसीजर होता है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना है, क्योंकि बहुत काम की ये वीडियो है। एक ऐसी वेबसाइट जहां से सिर्फ घर बैठे बैठे, अब देखो थोड़ा बहुत तो बाहर निकलना पड़ेगा, फोटो क्लिक करनी है, बाकी आपका कोई भी काम नहीं है। एक दिन आपको मुश्किल से 2-3, 1-2 घंटे का टाइम देना होगा पूरे दिन में, तो वो आपको काम करना है। अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं,
वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना, जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब बिना टाइम को वेस्ट के चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर, समझते हैं पूरा प्रोसीजर। तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करना है। और जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है CAVN KEVIN IMAGES कैविन इमेजेस, ये लिख के आपको एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले वाली वेबसाइट आपको मिलेगी, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही इस वेबसाइट पर आप क्लिक करते हैं, देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर जैसे उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे इमेजेस को लोग खरीदते हैं, सेम वही काम यहाँ पर भी है। बट यहाँ पे आप इमेजेस अपलोड करेंगे और उस इमेजेस का पैसा आपको यहाँ पर मिलेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कुछ सैंपल्स दिए गए हैं, जैसे कि फॉल फेव्स है, लविंग लाइफ है, मदर अर्थ है, लेट लव रूल्स है। अब लोगों ने यहाँ पर देखिए पिक्चर्स डाली हुई हैं अपनी अपनी, आप देख रहे हो यहाँ पे देखिए कितनी सारी पिक्चर्स लोगों ने डाली हुई है। जैसे कि गर्ल्स पावर की अगर बात को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स देखिए गर्ल्स की आ जाएंगी। तो अगर आपके घर में भी कोई गर्ल्स हैं, आप गर्ल हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई है, तो उनके आपको ऐसे पिक्चर्स क्लिक करनी है अलग अलग एंगल से, जो कि देखने में बहुत बढ़िया लगे। देखिए कोई भी पिक्चर्स का पैसा तभी देगा जब वो अच्छी तरीके से क्लिक की गई होगी। आपके मोबाइल में भी कोई ना कोई पिक्चर आपने ऐसे जरूर क्लिक की होगी जो आपको बहुत अच्छी लगती होगी, तो आप भी उस पिक्चर्स का पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो। ये देखो ये काम एक ऐसा काम है जिसमें ना तो कोई स्किल्स की जरूरत है ना किसी खास क्वालिफिकेशन की जरूरत है, बस यहाँ पे आप अपनी हॉबी के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरह की यहाँ पे पिक्चर्स होती हैं जिनको लोग यहाँ पे अपलोड कर पैसा कमाते हैं, और आपका भी यही काम है, आपको भी यही करना है कि यहाँ पे पिक्चर्स को अपलोड कर आपको पैसा कमाना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में दिखाने का मतलब यही था। अगर मैं इनके ब्रांड्स की बात करूँ, देखिए मैकडोनाल्ड्स हो गया, एप्पल हो गया, नाइकी, एडोब, यूनिलीवर हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन हो गया। अब ये क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं ये यहाँ से पिक्चर्स को कलेक्ट करते हैं और अपने एड्स में उसको कहीं ना कहीं यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये वेबसाइट रन करती है और जिसमें से जो भी अर्निंग होती है उसका परसेंटेज आपको देती है। अब यहाँ से कितना परसेंट यहाँ पे मिलता है, जैसे कि वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या दिखाया था कि यहाँ पर देखिए 20,000, 6,000 एक फोटो के यहाँ पर मिलते हैं। अब मान लीजिए कोई फोटो आपने यहाँ पर जो है अपलोड करी और वो सेल आउट हो गई, वो किसी कंपनी ने खरीद ली, तो उसका कितना परसेंट यहाँ पे आपको मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाया था। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको करना है क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसेंस फ्रॉम अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट हु आर बैकबोन ऑफ अवर क्वालिटी एक्सपीरियंस, तो आपको बिकम अ कंट्रीब्यूटर पे क्लिक कर देना है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, देख रहे हो, एक मिल रहा है बेसिक का, एक प्रो का। अब प्रो वाले पे आपको नहीं जाना है क्योंकि ये पेड है, तो हम बेसिक वाले पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए केवन की डायरेक्ट सेल में कितना मिल रहा है, 40%, यानी कि जो भी सेल यहाँ पे होगी उसका 40% यहाँ पे आपको मिलेगा। अब 40% कितना हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 6,000 में कोई चीज यहाँ पर बिकी है, तो 6,000 में बिकी है तो इसका मतलब 40% आपका कितना होगा, अगर 1,000 पे 400 रुपये होते हैं तो 6,000 पे यहाँ पे लगभग 2,500 रुपये हो गया। तो यानी कि 2,500 रुपये आपको एक फोटो का यहाँ पे आराम से मिल जाएगा, तो क्या बुरा है, कोई यहाँ पर आपको पैसा खर्च नहीं करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जो भी पिक्चर्स आपकी हैं आपको उनको यहाँ पे अपलोड करना है। अब अगर यहाँ पे काम करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ पे साइनअप का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको इस साइनअप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब इस साइनअप के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डाल के साइनअप पे क्लिक करना है। तो एक बार ये पूरा फॉर्म भरकर मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल के आपके सामने लॉगिन करा है। अभी आप यहाँ पे चेक कीजिए, मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं, वेलकम टू केविन, मन्नू बिस्ट आ गया है, डैशबोर्ड आ चुका है, सर्च आ चुका है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 40% डायरेक्ट है, 40% नेटवर्क का है, टोटल अर्निंग मेरी यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे मेरी जो पोर्टफोलियो है वो शो करेगी, व्यूज़ कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, हमारी जो यहाँ पे पिक्चर्स अपलोड करेंगे उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए विन अ फ्री मंथ एवरी टाइम यू रेफर अ फ्रेंड टू कैनवा प्रो, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शंस भी है जहाँ पर आपको फ्री मंथ आपको मिलते हैं जहाँ पर आप अगर यहाँ पर रेफर करते हैं, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे मतलब का नहीं है। अब यहाँ पर ऊपर आप चेक करेंगे, सबसे ऊपर एक अपलोड कंटेंट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस अपलोड कंटेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कहेगा वेरीफाई यूर ईमेल बिफोर प्रोसीडिंग, प्लीज चेक यूर ईमेल फॉर वेरीफाइंग लिंक। अब आपके जो ईमेल एड्रेस आपने डाला होगा उस पर आपको एक वेरीफिकेशन लिंक मिलेगा, तो वो वेरीफिकेशन लिंक हमें देख लेना है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना ईमेल एड्रेस ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए मेरे पास वेरिफिकेशन लिंक आ गया है, वेरीफाई ईमेल एड्रेस आ गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब इसने हमारा यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर दिया है। अब हमें अपलोड कंटेंट पे जाना है, अपलोड कंटेंट पे हम जाएंगे तो अब यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएट योर फर्स्ट सबमिशन, तो आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड। देखिए क्या लिखा है, अपलोड योर इमेज एंड वीडियो कंटेंट हेयर एंड गेट पब्लिश ऑन कैवन इमेजेस। तो ठीक है, मैंने गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दिया है। आई अंडरस्टैंड दैट कंटेंट, मैंने कि मैं कंटेंट को समझ चुका हूँ, आई अंडरस्टैंड कीवर्डिंग समझ चुका हूँ, आई अंडरस्टैंड एडिटोरियल कंटेंट मैं समझ चुका हूँ और फर्स्ट सबमिशन के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अभी क्या कह रहा है, यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो मार्केट रेडी फाइनल्स है, अब यहाँ वाले पे करना है। ये वाला देखिए प्रो के लिए है, वो हमें नहीं करना क्योंकि वो पेड होता है, हमें फ्री वाले पे करना है। यहाँ पे फुल रेजुलेशन है जो कि आपको 3500 पिक्सल तक जाता है। नो विजिबल लोगो, आपके फोटो में कोई भी लोगो नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। इमेज फॉर्मेट जो आपकी होगी वो जेपीजी की होनी चाहिए और वीडियो फॉर्मेट अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो MP4 में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल 6 स्टेप्स आ रहे हैं। सबसे पहले अपलोड कंटेंट, यानी कि एक्सेप्टेबल फॉर्मेट्स आपका यहाँ पे JPG होगा, MP4 होगा, कोई zip फाइल यहाँ पे आपको नहीं डालनी है और मैक्सिमम फाइल जो साइज़ होगा 150 MB, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप वीडियो बना रहे हो तो 5 GB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, अब ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको अपलोड फाइल पर जाना है, अगर आपके पास कोई कंटेंट है तो उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये कंटेंट है, मैंने इसको यहाँ से आपके सामने अपलोड कर दिया, अपलोड हो रहा है। देखिए वीडियो में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, अब ये वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रही है, जैसे ये 100% हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप चाहें तो यहाँ पे पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जो भी आप यहाँ पे अपलोड करना चाहें अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बाद अपलोड रिलीज वाला एक ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। अभी इसको मैं एक बार कंप्लीट होने देता हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए मेरी जो पहली वाली फाइल थी वो 100% हो चुकी है और अपलोड यहाँ पर हो गई है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है, देखिए अभी यहाँ पर ये अपलोडिंग चल रही है, 100% हो चुका है, वेरीफाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप का एक ऑप्शन आ गया, अब इस नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ आ गया अपलोड रिलीज, यानी कि अगर आप यहाँ पे कुछ और भी अपलोड करना चाहते हैं, कोई फॉर्मेट, कोई पिक्चर्स वगैरह, तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद आ गया एडिट रिलीज। अब यहाँ इस वीडियो के अंदर अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इसको आपको ऑन करना होगा और फिर यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्लिक कर दिया, आप एडिट आप करना चाहें आप कर सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी ऑलरेडी पिक्चर्स वहाँ पे अपलोड है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद देखिए कीवर्डिंग आ गई है। अब यहाँ पे क्या है, हेडलाइन एंड कीवर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखनी है कि आपको हेडलाइन और कीवर्ड बहुत ध्यान से डालनी है। हेडलाइन यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अर्न मनी। आपकी जो पिक्चर्स है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं, जैसे अगर आप किसी क्यूट बेबी की पिक्चर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर गर्ल्स पिक्चर्स कर सकते हैं, बॉय पिक्चर कर सकते हैं, या किसी सीनरी में कर सकते हैं, किसी बस की कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर हेडलाइन डाल दीजिए। लोकेशन आपकी यहाँ पर मांगेगा तो लोकेशन यहाँ पर आप अपनी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारी लोकेशंस आपको मिल जाएंगी तो आप कोई भी लोकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टैग्स मांग रहा है, टैग्स में यहाँ पर आपको क्या डालना है, जैसे मैं डाल दिया अर्न, ये एक टैग हो गया, उसके साथ मनी, ये एक टैग हो गया, ऑनलाइन, ये एक टैग हो गया, तो आप ऐसे अपने टैग डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अब ये कह रहा है कि जो आपकी हेडलाइन होनी चाहिए वो 5 वर्ड्स की होनी चाहिए, अर्न मनी डाल देते हैं, अर्न मनी ऑनलाइन टू पिक्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। अभी कह रहा है प्लीज इंसर्ट एटलीस्ट 10 टैग्स। अब देखिए लाइव में आपके सामने इसलिए करा रहा हूँ, तो कम से कम 10 टैग यहाँ पे होने चाहिए, तो 10 टैग हम डाल देते हैं। उसके साथ मैंने डाल दिया यहाँ पर टू पिक्स, पिक्चर, वीडियो, रुपीज, वर्क, होम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 हो गए पूरे। अब मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया।
सेव पे क्लिक करने के बाद अब ये देखिए हमारे कीवर्ड भी सेव हो चुके हैं। अब देखिए मेरी यहाँ पे वीडियो भी आ गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे अब ये यहाँ पे देखिए फाइनलाइज योर सबमिशन, सबमिशन का नाम डालना है। तो यहाँ पे सबमिशन का नाम रेफरेंस के लिए, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ मनु बिष्ट। अब ये कह रहा है नोट टू एडिटर्स, अगर आपको कोई एडिटर नोट एडिट करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आ गया ग्रेट वर्क, यूअर सबमिशंस विल बी रिव्यूड एज सून एज पॉसिबल। यानी कि अब हमारा जो यहाँ पे वर्क है वो सबमिट हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी रिव्यू होगा। आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे ही आपको इस पिक्चर्स का रिव्यू का मेल आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे वेट करना होगा। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी कि कैसे यहाँ पे आपको पिक्चर्स अपलोड करनी है, फोटो अपलोड करनी है। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर जो आपकी अर्निंग होगी उसे आप विड्रॉल कैसे करेंगे। तो एक बार मैं दोबारा से डैशबोर्ड पर चला जाता हूँ। डैशबोर्ड पर देखिए आपको सारी चीज़ें दिखेंगी कि आपकी पोर्टफोलियो क्या है, व्यूज़ आपको कितने मिले हैं, कितने लोगों ने देखा हुआ है। यहाँ पर देखिए माई अकाउंट है, माई प्रोफाइल है। आपको यहाँ पर माई अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको माई अकाउंट पर जाना है। और यहाँ पर देखिए पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सिंपल सा इस पेमेंट मेथड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे पेपाल और पेनियर दो ऑप्शन है। अब सभी लोग देखिए पेपाल को यूज़ करते हैं, इजीली यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद सेव कर देंगे। तो जो भी आप यहाँ पर अर्निंग करेंगे डायरेक्टली आपको पेपाल अकाउंट के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी हैं। तो अभी से अभी यार बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपने फ़ोन को ऑन कीजिए और बाहर निकल कर अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर अपलोड करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू गाइस। तो गाइस अभी आपने देखा यहाँ पर मैंने कोशिश करी कि मैं आपको सारी चीज़ डिटेल्स में बता सकूँ। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। अगर आपको इस काम से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। अब मैंने आपको बता दिया कि कौन सी वेबसाइट है, कैसे आपको गूगल पर सर्च करना है। तो पूरा प्रोसीजर अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज से यार काम करना शुरू कर देना है। घर से बाहर निकलो, छत पर जाओ, जहाँ भी आपको लगता है कि कोई आप ऐसी पिक्चर क्लिक कर सकते हो जो वैल्यूएबल हो, तो उसको यार अपलोड जरूर कर देना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी जॉलिटी वीडियो के साथ। तब तक अपने और अपने प्यारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।